brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत की रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO देश की सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को विकसित करके भारत के रक्षा क्षेत्र को जबरदस्त तरीके से ताकत दे रहा है। DRDO नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी के तहत DRDO ने लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी LPAD नाम की एक नई पीढ़ी की हवाई सुरक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है। इस पर काम तेजी से जारी है। पहले भी इसे लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले साल DRDO को LPAD कार्यक्रम के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी DAP 2020 के MEK-2 श्रेणी के तहत मंजूरी मिली थी। ये श्रेणी खासतौर से DRDO और भारतीय निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये प्रोजेक्ट भारतीय सेना को 200 लॉन्चर और 1200 लेजर बीम से चलने वाली मिसाइलें उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4,800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उम्मीद है कि साल 2024 के अंत तक LPAD प्रणाली का प्रोटोटाइप प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। भारतीय सेना को 200 लॉन्चर और 1200 LPAD मिसाइलों की जरूरत इस बात का संकेत है कि हवा से होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली की मांग लगातार तेज थी। अगर हम बात इस मैन पोर्टेबल सिस्टम की करें तो ये सिस्टम सैनिकों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों समेत विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने की जबरदस्त ताकत देने वाले हैं। लेकिन LPAD प्रणाली को और भी खास बनाती है उसकी लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी। इस बार LPAD प्रणाली में ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी का LPAD में होना इसे और ताकतवर बनाता है। ये नया तरीका कई तरह से फायदे देने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि लेजर बीम गाइड टारगेट को ट्रैक करने, उससे निपटने में बेहतर सटीकता प्रदान करता है, जिससे आसपास के नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। साथ ही लेजर से गाइडेड मिसाइलें ज्यादा फुर्तीली होकर ड्रोन जैसे खतरों का मुकाबला करने में भी सक्षम होंगी। मिसाइलों में विस्फोटक क्षमता वाले वॉरहेड या सब प्रोजेक्टाइल्स भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। LPAD प्रणाली को एक मल्टी मिसाइल प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें संभावित तौर पर 2 मिसाइलें प्रति लॉन्चर शामिल होंगी। इसके अलावा सैनिकों को लक्ष्य प्राप्त करने और ट्रैक करने में मदद के लिए इस प्रणाली में उन्नत सेंसर तकनीक, थर्मल इमेजर और एक टीवी कैमरा भी शामिल किया जाएगा। 2024 के अंत तक प्रोटोटाइप प्रशिक्षण की उम्मीद के साथ LPAD कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रणाली के सफल विकास और तैनाती से भारत को लेजर बीम राइडिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा और भारत की रक्षा क्षमता को 2 गुना स्पीड से बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।